बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को बाकायदा आलाकमान की तरफ से गैर जरूरी बयानबाजी करने से रोका गया है। कहा गया है कि इस तरह की बयानबाजी से बचें। बृजभूषण सिंह का जो पूरा मामला है उसमें अब आलाकमान हरकत में आया है। पहलवानों के मामले में केंद्रीय नेतृत्व ने अनावश्यक बयानबाजी से बचने की बृजभूषण को हिदायत दी है और उसी के बाद 5 जून को अयोध्या में जो प्रस्तावित रैली है उसको रद्द करने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बृजभूषण सिंह जैसे लगातार बोलते आ रहे थे मीडिया में, अब आलाकमान ने उन्हें गैर जरूरी बयानबाजी से बचने को कहा है। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देंगे इस खबर को विस्तार। नीरज, क्या है पूरा मामला? गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की नसीहत दे दी गई है आलाकमान की ओर से? जी बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को लेकर बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को निर्देश दिया है कि इस मामले में ज्यादा अनावश्यक बयानबाजी ना करें। और इसके लिए आज बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर ने उनसे फोन पर बात भी की और बात करके उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मसले पर अनावश्यक बयानबाजी मत करिए और इस तरह की जो रैली है ये रैली न कीजिए, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है और अनावश्यक राजनीतिक टूल पकड़ रहा है। और पहलवान कहीं ना कहीं देश की धरोहर है, खिलाड़ी हैं, और उनके साथ जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो उसके बाद से ही सूचना हमारी यह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को जो प्रस्तावित रैली थी अयोध्या में उसको रद्द कर दिया है और रद्द करने के साथ ही फिलहाल बयानबाजी से वो बच रहे हैं। आज सुबह से उन्होंने इस पूरे मसले पर कई मीडिया हाउसेस में उनसे बात करने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो फिलहाल बात नहीं करेंगे। और ये तभी हुआ जब केंद्रीय नेतृत्व के एक बड़े सीनियर लीडर ने उनसे फोन पर बात की और फोन पर बात करके उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मसले पर आप थोड़ा गंभीरता रखिए। अहम जानकारी आप दे रहे हैं नीरज। केंद्रीय नेतृत्व से एक सीनियर लीडर ने बृजभूषण शरण सिंह को फोन किया, फोन करके गैर जरूरी बयानबाजी से बचने और अयोध्या में होने वाली रैली को स्थगित करने की बात कही। उसके बाद बृजभूषण ने एक फेसबुक पोस्ट करके उस रैली के स्थगित होने की जानकारी दी है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।